कि कोई ना कोई टिप आप जरूर देंगे, कुछ बातें जो हमसे जूनियर ज्योतिषी हैं मैं उनको देना चाहूँगा। सीनियर तो सब परिचित है और बहुत अच्छे अच्छे विद्वानों का आज हमने सुना। सिंपल सी चार टिप्स की बात करूंगा, राणा जी ने सुना नहीं है लेकिन मैं दो और बोनस दे देता हूँ। सबसे पहले एक, क्योंकि मैं आपको रीजन दे देता हूँ, मैं 8 फरवरी मेरा डेट ऑफ बर्थ पड़ता है तो 8 का अंक है, 8 का ही मेरा लगन है, चंद्रमा में मेरे अष्टम है, उससे अष्टम सूर्य है, उससे अष्टम केतु है दशम भाव, तो आप समझ सकते हैं इतने 8 में लेकर आ चुका हूँ। और तो अब बात कर रहे हैं हम 8 में ही घटती, क्योंकि मैं उससे ही मांग करता हूँ अभी तक। जरूरी नहीं कि ये 100% लगेगा, लेकिन आप देखिएगा आपके घर में जो ग्रह होगा, चाहे वो जातक हो चाहे वो जातिका हो, उस ग्रह से संबंधित चीजें जब आप क्रॉस करोगे तब आपको ससुराल मिलेगी, चेक कीजिएगा। बहुत बढ़िया। अगर चंद्रमा है तो नदी पार करके रिश्ता होगा, मंगल है बिजली का पावर स्टेशन मिलेगा, ट्रांसफार्मर मिलेगा, राहु है आपको समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, टेलीफोन का जो टावर लगा होता है वो मिलेगा, यानी उसके आसपास ससुराल मिलेगी, चेक कीजिएगा। जरूरी नहीं है कैसा 100% होगा, लेकिन इतने 8 में देख चुका हूं मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा के, केतु जहां पर होगा आप देखिएगा, अगर आप वहां अपने सिर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, समझिएगा इस बात को कि केतु का सिर नहीं है माइथोलॉजिकली, केतु जहां पर होगा अगर आप उस जगह पर अपने सिर का इस्तेमाल नहीं करते हैं आप बहुत राइस देने वाले हैं। जैसे 10th हाउस में अगर केतु है तो आप अपना सिर इस्तेमाल मत कीजिए, किसी और के पीछे खड़े होकर काम कीजिए, किसी और को आगे बैठा लीजिए, चाहे वो आपके फादर हो चाहे आपकी मदर हो चाहे आपकी वाइफ हो, उसके नाम से काम कीजिए। अगर 7वां केतु है अपनी शादी की बात कभी मत कीजिए, किसी और को भेजिए आपके लिए शादी की बात करने के लिए, वरना आपकी शादी में दिक्कतें बढ़ने वाली है, चेक कीजिएगा 100% लगेगा, रीजन मैं दे चुका हूँ। तीसरा टिप, ध्यान दीजिएगा केतु जहां होगा 99% लोग बोलते हैं कि वो वहां से आपको हटाता है, डिसेप्टिव एनर्जी है, ठीक है, लेकिन केतु जहां होगा उस चीज की अधिकता आपको सबसे ज्यादा देगा, ध्यान दीजिएगा। पंचम होता है मिसकैरेज ज्यादा करवा देता है, दशम होता है काम बहुत ज्यादा दे देता है, और केतु की एक और विशेषता है, लगन में अगर केतु होता है ये आदमी झूठता नहीं है, अगर ये झूठ जाए कामयाब हो जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज अमिताभ बच्चन, आप देखिए वो कहाँ झूठे हैं और वो कहाँ है। और एक और वैदिक बात बता देता हूँ, लगन में केतु सबके सामने झुक जाएगा, अपने पिता के सामने नहीं झुकेगा, ये आदमी झूठता नहीं है, अगर ये झूठ जाए कामयाब हो जाता है। बेस्ट एग्जाम्पल इज अमिताभ बच्चन, आप देखिए वो कहाँ झूठे हैं और वो कहाँ है। और एक और वैदिक बात बता देता हूँ, लगन में केतु सबके सामने झुक जाएगा, अपने पिता के सामने नहीं झुकेगा। आप लगन में केतु को बोल के देखिए कि बेटा 50 दिन अपने पिताजी के पैर छूना, मना कर देगा, सबके पैर छूंगा पिता के नहीं छूंगा, और अगर तुम छूले वो उपाय है, ये बात बिल्कुल सच है, ये उपाय है, ये 100% उपाय है, ये चेक कीजिएगा। अब एक अंतिम टिप, शनि वृश्चिक राशि का अगर 12वें घर में हो यानी धनु लग्न है, उस आदमी की संतान नहीं होती है जल्दी से। यहाँ एक और रीजन भी दूंगा, अगर लड़का लड़की दोनों का तुला का शनि हो उनकी भी संतान बड़ी दिक्कत से होती है। सवाल था वृश्चिक का शनि 12वें घर में हो, चेक कीजिएगा, उस आदमी ने पक्षियों के अंडे तोड़े हुए होते हैं, इस वजह से उसकी संतान नहीं होती। आप उसको सिर्फ ये उपाय करके दीजिए, और ये मेरा नहीं है, पराशर जी ने लिखा हुआ है, उस आदमी को बोलिए कि आप बर्ड्स को कुछ खाना खिलाना शुरू कर दो, आपकी संतान हो जाएगी, और वो व्यक्ति आपको बोलेगा कि सर मैंने इसी जन्म में अभी ही पक्षियों के मेरे यहाँ घुसे थे, मैंने अंडे तोड़े, वो एडमिट करेगा, चेक कीजिएगा। ये 4 टिप्स आपको दे रहा हूँ, साथ ही साथ 2 बातें और बताना चाहूंगा कि राणा जी ने हमें एक बहुत अच्छा मंच दिया, और सबसे अच्छी बात जो मैं अक्सर सभी लोगों से कहता हूँ, मैं बहुत अवॉइड करता हूँ जाना, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि जाकर कुछ हासिल हो चाहे वो एक टिप हो तो वो एक गेन है कि भाई हमने कुछ सीखा तो है। सर वहां गए उस व्यक्ति ने बात बताई थी, जब भी कभी बृहस्पति, अधिकतर लोग बोलते हैं कि बृहस्पति जब गोचर में ट्रांजिट कर रहा होता है तो पंचम सप्तम नवम कनेक्टेड कर देता है, उनसे संबंधित कार्य कराता है, देखिएगा बिना आपकी राशि एक्टिवेट के वो काम नहीं होगा। राशि एक्टिवेट बहुत जरूरी है, लग्न एक्टिवेशन नहीं चाहिए, और ये मैं आपको तीन नमाज के तरीके से बता रहा हूं। अगर राशि एक्टिवेट हो गई, जैसे इस समय मिथुन राशि एक्टिवेट कर रखिए क्योंकि धनु में आ गए, तो
तो आप देखो मिथुन राशि वालों को हर चीज बड़ी स्मूथली मिलती है, रिश्ते बड़े जल्दी हो रहे होते हैं क्योंकि बृहस्पति को पैसे दे रहे हैं, और अगर शुक्र से लिंग इसका बनता है तो 100% विवाह करवा देने वाले हैं। ये इसलिए बता रहा हूं कि ट्रांजिट के साथ अगर आपने दशा लगा ली, और सबसे पहले आप अपनी दशा को चेक कर लीजिए कि आपकी दशा क्या कह रही है। तो सवाल यह मेरी दशा का, मेरा दशा क्षेत्र चल रहा है और आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूं, और केतु में बुध की दशा चल रही है, और केतु और बुध में 6-8 का कनेक्शन है, बुध मेरे अष्टम से अष्टम बैठा है। धन्यवाद। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे उससे ज्यादा।